बात करते हैं सिद्धार्थ नगर के, जहां इटवा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत छगड़ीहवा में बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया गया है, जिसमें डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने जनता को संबोधित किया है। वहीं पाल ने कहा कि विधानसभा में जहां से चुनाव में कम वोट मिले उस क्षेत्र में बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया जाएगा। विधान चुनाव में यहाँ से कम वोट मिला, इसलिए हम आपकी अदालत में अपनी चूक की कमी जानने आया हूँ। वो जानना चाहते हैं कि उनसे कहां गलती हुई है। उनकी सरकार ने किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। फ्री राशन जनधन योजना लाभार्थियों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। उनकी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में वादा करते हैं कि छगड़ीहवा घाट पर पुल बनाने का काम करेंगे, ताकि बलरामपुर जिले में आसानी से उनके क्षेत्र की जनता आसानी से पचपेड़वा गैसड़ी पहुंच सके। उन्होंने वादा किया है कि अपनी सरकार से इस पुल का निर्माण कराएंगे। पार्टी एनडीए की सरकार और मुझे जनादेश मिला है तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार देश के गरीबों के लिए होगी, देश के मजदूरों के। कभी कल्पना थी कि भारत की आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार आएगी जो लगातार हर साल किसानों को 6,000 रुपया किसानों की खाद के लिए बीज के लिए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि योगी पार्ट टू में जब 2/3 बहुमत से उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है तो ये पहली सरकार है जिसने अपनी नई सरकार के गठन के बाद 100 दिन का सभी विभागों का एक लक्ष्य निर्धारित किया था। और आज इस बात की प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के सभी विभागों ने 100% लक्ष्य को पूरा किया है, चाहे वो गन्ना मूल्य का भुगतान हो 12,575 करोड़ का, या चाहे पूरे प्रदेश में 100 दिन में 11,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो, 75 पुलों का निर्माण हो, या जिस तरीके से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 80,000 करोड़ की हुई। आज पूरे प्रदेश में एक नई कार्य संस्कृति का की शुरुआत हुई है और इस बात के लिए कोशिश है कि जिस तरह से 100 दिन के अंदर 1,90,000 को लोगों को 16,000 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है, आने वाले दिनों में वो अपने पैरों पर स्वावलंबी होंगे, हर जनपद में विकास का और रोजगार का अवसर मिलेगा। खुद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जो एक आकांक्षा जनपद है, एक जिला एक उत्पाद के काला नमक चावल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7 करोड़ का इन कॉमन फिलिसिटेशन सेंटर काला नमक चावल की मिल उसके साथ पैकेजिंग उसको एक्सपोर्ट करने के लिए 7 करोड़ का सहयोग दिया, जिसमें 6 करोड़ अनुदान होगा। तो इस तरह से एक पूरे प्रदेश के विकास का एक नया शुरू हुआ है। और आज हम इस छगड़ीहवा में आए थे इसलिए कि अगर इटवा के इस बूथ पे भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिला तो हम ये कहने आए हैं, वो उलाहना देने नहीं है कि हमारे सेवा में कौन सी कमी रह गई। जब हम प्रदेश और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को हम सभी गांव में लागू कर रहे हैं, चाहे वो आवास हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़े हो, सभी को दे रहे हैं, शौचालय हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, तो फिर किस कारण से हमें इस बूथ पर कामयाबी नहीं मिली या इटवा विधानसभा में कामयाबी नहीं मिली। आज उसी दिशा में हमारी ये चौपाल थी, इस चौपाल के माध्यम से हम यहाँ की समस्याओं को भी हमने सुना। जैसे छगड़ीहवा में एक पुल की मांग है कि अगर छगड़ीहवा का वो पुल बन जाएगा तो उससे छगड़ीहवा और गैसड़ी, इटवा और गैसड़ी दो विधानसभा जुड़ जाएगी, दो जनपदों की, इससे आवागमन का साधन बढ़ जाएगा।